शास्त्र ने कहा है धर्म का तत्व अत्यंत गहन है, एक एक वस्तु के प्रति पूरी दुनिया में लगभग 350 स्कूल ऑफ फिलोसफीज हैं। गुरुदेव कहते हैं लगभग 300 तो भारत में ही हैं। कहने का मतलब है किसी भी क्रिया के प्रति 350 परिभाषाएं दी जा सकती हैं, और एक ही साधना के विषय में शास्त्रों में उसको स्वीकार भी किया गया और उसको नेग्लेक्ट भी किया गया है। ये बड़ी विचित्र बातें हैं। एक तरफ शास्त्र में श्री स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यज्ञानाम जपयज्ञोस्मि, मैं यज्ञों में जपयज्ञ हूं, तो दूसरी तरफ कबीर ये भी कह रहे हैं माला फिरत जुग भयो फिरोन मन का फेर। और दोनों ही प्रमाणित बातें हैं, क्या करो। हर क्रिया में आपको विरोधाभासत्व प्राप्त हो सकता है। किसी पुराण में सारी सृष्टिकर्ता भगवान शंकर हैं, किसी पुराण में संपूर्ण परात्पर परमात्मा श्री गणेश हैं, और दोनों ही शास्त्र सम्मत मानते हैं धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय। एक तरफ श्री भागवत जी भी कह रही हैं कि भैया गंगे गंगे तयो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि, एक तथै वालकनंदा ब्रह्म सदनाद बहूनि गिरिकूटा न्यति क्रम्य हेमकूटा धेमकूटा न्यति रभरस रतर समहसा लुटयन्ति भारतम अभिवर्षम दक्षिणस्याम दिशि अभिप्रवशति यस्याम स्नानार्थम चागच्छतः पुंसाम पदे पदे अश्वमेध राजसूयादीनाम फलम न दुर्लभम इति। एक एक कदम पर 100-100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो सकता है। गंगा नहाने की बात छोड़ो, मैं गंगा नहाऊं इस विचार से एक कदम बढ़ाओ, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल। तो ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि केवल गंगा नहाने से भी क्या होगा। बोले शाह कह रहे गंगा गया गल मुगदी नाई उठे 100-100 गोते खाई। हर चीज का एक तरफ वर्णन आया है, एक तरफ यही वेद आज्ञा कर रहे हैं कि भैया सवेरे जल्दी उठना चाहिए, और सोना तो चाहिए ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण तो कह रहे क्यों सोते हो, हाँ निद्रा ले लो, सो मत। यान शाह सर्वभूताम माम तस्याम जागृति संयमी, जिन रात्रियों में केवल भोगी सो जाते हैं योगी जग जाते हैं। और वृंदावन जाके देखो तो हरिराम व्यास जी कह रहे व्यास भरोसे कुवर के सोवत पाम पसार। आप जगने की बात कर रहे हो और वो कह रहे हैं कि भैया हम तो, बोले आप क्या करते हो, बोले ना भजन होता है ना मनन होता है, बोले हम तो कुवर के भरोसे पाम पसार के सोते मन। ये तीन हरि हैं ब्रज के, हरिदास हरिवंश हरिराय, इनकी प्रणालियां हैं। क्या करो महाराज, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय। एक ही वस्तु है, एक तरफ शास्त्र में यह भी लिखा है हाँ कुचैलिनम दंतमलोप धारिणम, मुंह को गंदा रखने वाला, दांतों में मल रखने वाला, नाखून न काटने वाला, मिष्ठुर भाषणम च किसी से गलत बोलने वाला, और सूर्योदय चाष्टमिते शयानम सूर्योदय के बाद भी सोने वाला, विमुंचति श्री यदि चक्रपाणिम, अगर ये कार्य लक्ष्मी भी करें तो, ये कार्य नारायण भी करें तो लक्ष्मी कहती है मैं उन्हें छोड़ दूंगी। दूसरी तरफ बाई जी कहती है मुझे उठने की भी क्या जरूरत है। एक तरफ कठोपनिषद कह रहा है न मेधयान बहुना श्रुते नाय आत्मा न प्रवचने न लभ्यो, ये ज्यादा प्रवचनों से नहीं मिलेगा भगवान। उपनिषद कह रहे हैं कोई ज्यादा मेधावी बुद्धि से नहीं मिलेगा, कोई केवल सुनते रहने से नहीं मिलेगा। सुनते रहने से क्या प्राप्त होगा।
तो दूसरी तरफ गोपी कह रही है हम सुनने से ही मिलेगा महाराज श्रवण मंगलम। रुक्मणी जी तो कह रही है कि मुझे मिले ही आप सुनने की वजह से हो। पहली बात ही चिट्ठी में कृष्ण को चिट्ठी भेजी रुक्मणी जी ने, लेटर भेजा, इट वॉज द फर्स्ट डिवाइन लव लेटर महाराज, उस पर पहले ही शब्द लिखा श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुनवताम ते। मैंने देखा नहीं है पर मैंने नारद जी से ये बात सुनी है आपके गुणों के बारे में कि आप भुवन सुंदर हो महाराज, और मैं इतना प्रेम करूं। ठाकुर जी अधीर हो गए कि दौड़े चले आए महाराज। शिशुपाल इंद्रियों के द्वारा बंधी हुई जो शो आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति है उस रुक्मणी का श्री कृष्ण हरण करने आएंगे महाराज। अब क्या करोगे महाराज? दूसरी तरफ एक तरफ ये विचार हुआ है, एक तरफ इसी भारतीय समावेश में उन्हीं प्रस्थानत्रयी के ऊपर भाष्य लिखकर एक परंपरा ब्रह्म के निर्गुण निराकार स्वरूप का निरुपादन कर देती है, तो दूसरी परंपरा उन्हीं सूत्रों का प्रतिपादन करके भगवान के सगुण साकार स्वरूप का प्रतिपादन कर देती है। किसी मंत्र की महिमा सुन लो, वो संपूर्ण मंत्र महिमा मंडित हैं। एक पुस्तक ले आओ गीता प्रेसी की है जिसमें अलग सारे मंत्र हैं, हर मंत्र के बाद एक ही चीज लिखा है, ये महामृत्युंजय करोगे तो आपत्ति विपत्ति दूर, हनुमान चालीसा करोगे तो उसके बाद भी गोस्वामी जी लिख रहे हैं दूर हो जाएगी, हर चीज के बाद तो एक ही निष्कर्ष है। अब करो तो करो क्या महाराज? सबकी महिमा मंत्र को लेकर, ग्रंथ को लेकर, देव को लेकर, व्यवस्थाओं को जो आप कर रहे हो उसको देकर, एक तरफ कह रहे हैं दैनिक स्नान होना चाहिए, आपकी शोभा स्वच्छ शरीर से होती है, स्वयं लक्ष्मी कह रही है कि गंदा संदे रहने वाला मुझे पसंद नहीं, नारायण ऐसा काम करें तो मैं छोड़ दूं, तो दूसरी तरफ भर्तृ शतक में स्वयं महाराज भर्तृ लिख रहे हैं केयु राणी न भूषयंति पुरुष हारो न चंद्रोज्वला न स्नानम न बिलेपनम न तिलकम नालंकृतम मूर्ध्वज वाणी कह शमलम करोति पुरुष यह संस्कृतम धार्यते क्षीयंते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। ये नहाने धोने कपड़ा पहनने और केवल सजने धजने से क्या होता है? व्यक्ति की शोभा तो उसके सुंदर वचनों से होती है। उपनिषद एक बार कह रहे हैं केवल सुंदर वचनों को बोलने से क्या होता है? नायम आत्मा न प्रवचने न लभ्यो। बड़ा झंझावाट है महाराज। शिव पुराण पढ़ के देख लो तो सब जगतपति भगवान शंकर हैं, सब जगह अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, आजकल अलग अलग पुराणों से अलग अलग सीरियल चलते हैं, तो भगवती ही सृष्टिकर्ता हो जाती हैं, विष्णु कृष्णादि भी उनको मतलब एक जगह तो हमने देखा ठाकुर जी भी प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा भी बना दिया, अब क्या बोले उस पर, श्री विष्णु श्री शिव सभी भगवती की उपासना कर रहे हैं। दूसरा सीरियल आता है तो श्री विष्णु भगवती शंकर की उपासना कर रहे हैं। तीसरा सीरियल आता है तो महाराज श्री भगवती श्री विष्णु श्री ब्रह्मा जी स्वयं श्री नारायण की उपासना कर रहे हैं। अब तीनों देखने के बाद तुम किसकी करो? बोले ऐसा लगता है ये खुद ही एक दूसरे की सब पूजा कर रहे हैं और हमारा खेल चल रहा है महाराज, समझ में नहीं आए। इसलिए तो कहा धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय। अरे ये महामंत्र ही है, एक प्रणाली दावे के साथ कहती है हरे राम पहले करो, प्रमाण भी दे देती है उसके। और कहीं हमारे यहां बात आती है कि हरे कृष्ण पहले कहो और हमारे पास भी उसके भरपूर प्रमाण है, इतने प्रमाण है महाराज, बाकायदा ग्रंथ छपे हुए हैं इस पे। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय, धर्म का तत्व इतना विस्तृत है महाराज,
करें तो करें क्या महाराज, भक्ति की पहली नींव श्रवण है और दूसरी तरफ विचार आता है केवल सुनते रहने से क्या होगा। हम तो महाराज, बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो प्रैक्टिकल लाइफ में विश्वास करते हैं, ये भाषण सुनने से हमारे को कोई लाभ नहीं होता, कुछ एक्शन हो तब हम समझें, ये बैठे बैठे सुनते रहने से क्या होगा। अब दोनों ही बात समझ आती है महाराज, एक तरफ अर्जुन कह रहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा अपने रिश्तेदारों से, युद्ध में क्या शांति मिलती है, वर्ण शंकर उसने वेद के प्रमाण देकर अपनी बातें रखी हैं, युवा मर जाएंगे घर में, वर्ण शंकरता शहर में फैल जाएगी, भगवान ही कोई अच्छी बात होती है, बड़ों से हमने सुना है, शास्त्र सम्मत बात कह रहा है, और आजकल के हिसाब से देखो तो कितने बिग थॉट्स हैं उसके, कि कह रहा है मुझे नकांक्षे विजयम कृष्ण नच राज्यम सुखानी च, मैं राज्य सुख लेकर क्या करूंगा, मुझे जीत की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो सब छड़ के जंगल जाऊंगा भजन करूंगा महाराज। तो प्रहलाद जी भी तो यही कह रहे हैं, ग्रहमंद कूपम बनम गतो तद धर्माश्रयेत, प्रहलाद जी भी यही कह रहे हैं, अरे ये सब दुनिया क्या है, बोले अंधा कुआ है, ये सब छोड़ो, बनम गतो तद धर्माश्रयेत, जंगल चले जाओ। अर्जुन जब ये कहता है तो श्री कृष्ण मुंह टेढ़ा करके डांटते मिसमिसाते कहते हैं, क्लिब्यम मा समगम पार्थ नहीं तत्तुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप, ये तेरी मन की दुर्बलता मात्र है, जाग जरा, क्या बात करता है महाराज। स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं महाराज, तो सारे शास्त्र हाथ जोड़कर पीछे खड़े हो जाते। अब क्या किया जाए महाराज, हर एक पक्ष जो हमारे जीवन में है उसके पीछे कितनी बातें हैं महाराज। एक जना कहता है कि नहीं हमें साक्षात गुरु चाहिए, शास्त्र में उसका भी प्रमाण है, एक तरफ कहता है कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तो ये भी शास्त्र का ही वचन है, एक तरफ श्री हरिभक्ति विलास में श्रीपाद ही स्वयं कहने भैया ब्राह्मण उच्च कुलीय ब्राह्मण हो, प्रणाली में हो, परंपरा से हो, और उन्होंने तो ऐसा भी संकेत किया कई बार गृहस्थ भी हो, हरिभक्ति विलास में ऐसे जन को गुरु बनाए, दीक्षा मंत्र लें उससे। तो दूसरी तरफ सुभाष जी चैतन्य चरतामृत में हम बचपन से सुनते आए किम्बा न्यासी किम्बा विप्रो किम्बा शूद्र होय, कृष्ण तत्व वेत्ता जिनी तिनी गुरु होय। अब क्या किया जाए, उधर कह रहे हैं श्रीपाद कि श्रेष्ठ उच्च कुलीय ब्राह्मण से ही मंत्र दीक्षा ग्रहण करो, और इधर बात आ रही है कि क्या करोगे सन्यासी का, क्या करोगे उस ब्राह्मण का जो ठाकुर जी से दूर ले जाए, और उस शूद्र को भी कैसे छोड़ दोगे जो श्री राधारमण के चरणों में मन लगा दे। बड़ा माथा घूमता है महाराज, सभी का घूमता है महाराज, एक तरफ यहां ये बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ उसी बात का, इसको कहते हैं खंडन मंडन, मंडन के भी अनेक तर्क हैं, खंडन के भी अनेक तर्क हैं, और ये इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज हजारों साल से चलती रहती, इसको कहते हैं बौद्धिक कसरत, ये हजारों सालों से चली जा रही है, तर्क वितर्क इस पर चलते रहते। पिता पुत्र में एक बार शास्त्रार्थ हुआ महाराज, पिता भी बड़ा भारी दिग्गज विद्वान, लोगों ने कहा आप बूढ़े हो गए हो, अब अपने बेटा को गादी पर बिठाओ, बोले ऐसे नहीं बिठाऊंगा, शास्त्रार्थ में हराए तब बिठाऊंगा। अब बाप बेटा में शास्त्रार्थ होने लगा तो शास्त्र के अर्थ कहां बचेंगे, फिर भी बात छिड़ी, 5 दिन तक शास्त्रार्थ छड़ा, बनारस की गलियों में कोई निष्कर्ष न निकला। तो सब चुप रहे, थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा बोला, तर्क दिया उसने,
अहम विद्वत पिता त्वम मूर्खस्य पिता, मतलब मैं, तू मेरा लड़का है तो मैं विद्वान का पिता हूं, और तेरा जो लड़का है वो भी 6 महीना का ही छोटा बच्चा है और वो तो कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं है, तो अहम विद्वत पिता त्वम मूर्खस्य पिता। अब इसको कोई काटेगा नहीं, जो काटेगा वो जीत जाएगा, और सन्नाटा छा गया, क्या करें। उसी समय बेटा बोला, अहम विद्वत पुत्र त्वम मूर्खस्य पुत्र। बोले हमारे दादाजी अंगूठा छापते, खेती करते रहे, कछु ना किया उनने, और क्या बोला। बोले मैं विद्वान का लड़का हूं, मेरे पिताजी देश के महाराज शास्त्रार्थ महारथी, और आप बिना पढ़े लिखे के बालक हो। पिता चुप हो गया, उतर गया गद्दी से, बेटा बैठ गया ऊपर। खंडन मंडन की प्रक्रियाएं, खंडन खंड काव्य, न्याय में खंडन खंड काव्य का विचार किया जाए तो महाराज मैं क्या बताऊं। एक तरफ तो यह भी लिखा है कि गंगा की तरफ तुम केवल देख लो, चलने का विचार कर लो तो तुम्हें मोक्ष मिल जाए। तो खंडन खंड काव्य का न्याय का एक सूत्र है कि भगीरथ रथ खाता अभिक्षुण्ण जलवत। किस चीज से मुक्ति मिलेगी? भागीरथी में स्नान करने से। पर भागीरथी कौन सी है? केवल देखने से काम नहीं चलेगा, जाने से काम नहीं चलेगा। भगीरथ के रथ के बीच में से जो धारा बही, और जहां जहां रथ गया वहां वहां वो धारा गई, उतने को ही भागीरथी कहा जाएगा। उसमें से तुम कोई नहर निकाल दो तो वो गंगा नहर है, गंगा नहीं है। अब बड़ी समस्या है महाराज। तो और सबकी तो छोड़ो, हम नॉर्मल जो काम हम लोग कर रहे हैं, एक तरफ जप के लिए खंडन भी है मंडन भी है, एक तरफ तिलक के लिए खंडन भी है मंडन भी है, एक तरफ इस वैष्णव वेशभूषा के लिए खंडन भी है मंडन भी है, एक तरफ मंदिर में आकर सेवा पूजा के लिए खंडन भी है मंडन भी है। अब क्या करो, करो तो करो क्या। धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहाय, ये धर्म का तत्व अत्यंत गुह्य है, गंभीर है। तो क्या करने का निर्देश दिया है? बोले महान जनो येन गतस्य पंथा। महान प्राप्त जनों ने जिस मार्ग से प्राप्त किया है, हम उस पथ पर चलकर उस ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं।